दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जीरोधा काइट ऐप से लॉन्ग टर्म के लिए आप कोई भी शेयर कैसे खरीद सकते हो। इस वीडियो में कुछ ऐसी बारीक बातें मैं आपको बताऊंगा जो आपको कोई दूसरा नहीं बताएगा। मैं आपको बता दूं कि जब भी आप शेयर बाय करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। जिस तरह से आप अपने पैसों को बैंक अकाउंट में रखते हो, उसी तरह से जो आपके पास शेयर होते हैं, जो आप खरीदते हो, उसको डीमैट अकाउंट में रखा जाता है। तो शेयर खरीदने से पहले आपको डीमैट अकाउंट आपके पास होना चाहिए। बहुत सारी कंपनियां जो हैं डीमैट अकाउंट प्रोवाइड करती है, जैसे एंजल ब्रोकिंग हो गया, जीरोधा हो गया, SBI हो गया। तो यहां इस वीडियो में जीरोधा जो है डीमैट अकाउंट प्रोवाइडर है, उसका एक मोबाइल ऐप है जीरोधा काइट ऐप, उसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यहां पर शेयर को खरीदना है। तो गूगल प्ले स्टोर में काइट बाय जीरोधा ये ऐप मिलेगा, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, आपको डीमैट अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब उसके बाद जो है आपको क्या करना है, आपको यहां से ओपन करना है। डीमैट अकाउंट बनाने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। यहां से इसको ओपन करते हैं तो यहां पर जो है लॉग इन करते समय गूगल ऑथेंटिकेटर से जो है आपको TOTP यहां पर डालना पड़ेगा और उसके बाद आप लॉग इन हो जाओगे। अपना अकाउंट आप बनाओगे जीरोधा में तो आपको समझ में आ जाएगा ये सब क्या होता है, ये सब आईडी कहां से मिलेगा, ये सब जानकारी मिलेगा। मैं अपने वीडियो में भी आपको बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। लेकिन यहां पर TOTP डालना है, लॉगिन करना है। अब यहां पर इस तरह से स्क्रीन खुल के आ जाएगा। अब जो भी आपको जो है ना यहां पर शेयर खरीदना है, देखिए वॉचलिस्ट है यहां पर जो कि यहां बनाया गया, इसका नाम भी आप चेंज कर सकते हो। वॉचलिस्ट 1 है, ठीक है, Nifty 500 है, तो ये नाम चेंज करके Nifty 500 किया गया है। यहां पर लिखा रहता है वॉचलिस्ट 1, वॉचलिस्ट 2, तो जिस जो भी आपको इच्छा करे इसका नाम भी आप चेंज कर सकते हो। तो जैसे कि हम यहाँ पर वॉचलिस्ट 1 के अंदर में है, इतने सारे यहाँ पर शेयर जो है ऐड किए गए हैं, निफ्टी को भी ऐड करके रखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई आपको इच्छा है कोई शेयर खरीदने का, तो सबसे पहले आपको उसको सर्च करना होगा यहाँ पर और नाम लिखकर, और उसके बाद उसको ऐड करना होगा वॉचलिस्ट में, उसके बाद उसको खरीद पाओगे। दोस्तों अगर आप शेयर मार्केट के बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहते हो तो Kuku FM ऐप को मैं रेकमेंड करता हूँ। Kuku FM ऐप इंडिया का लीडिंग ऑडियो सर्च प्लेटफॉर्म है। गूगल प्ले स्टोर पर इस ऐप को 4.5 प्लस का रेटिंग मिला हुआ है। यहाँ पर 4000 से ज़्यादा ऑडियो सोर्स लाइब्रेरी आपके लिए अवेलेबल हैं, जो कि रियल कंटेंट का आपको भंडार है। Kuku FM ऐप का एकमात्र उद्देश्य है आपके लाइफ को सही दिशा में ट्रांसफॉर्म करना ऑडियो लर्निंग के माध्यम से। Kuku FM के द्वारा आप ऑडियो सोच को अपने रीजनल लैंग्वेज में सुन सकते हैं, कभी भी कहीं भी। दोस्तों शेयर मार्केट के ज्यादा नॉलेज के लिए यह ऑडियो बुक शो मैं आपको रेकमेंड करता हूं, इसको Kuku FM ऐप पर सुने। यह एक मेड इन इंडिया ऐप है। दोस्तों यहां पर मैं आपको 50% का डिस्काउंट दे रहा हूं, जिसके लिए आप यह कूपन कोड LE50 स्क्रीन पर दिख रहा है इसको इस्तेमाल करें। Kuku FM का ईयरली सब्सक्रिप्शन ₹399 में मिलता है, ये ओरिजिनल प्राइस है, लेकिन डिस्काउंट देकर यह केवल आपको ₹199 में मिल रहा है। कूपन कोड को मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं वहां से भी। याद रखिए यह कूपन कोड पहले 250 यूजर के लिए वैलिड है। लौटते हैं अपने वीडियो पर। तो सबसे पहले हम सर्च के ऊपर में क्लिक करके नाम टाइप करते हैं। यहां पर मान लीजिए एक हमारा शेयर है कोरोमंडल, तो हम इसको जो है यहां पर टाइप करेंगे कोरोमंडल। जैसे ही आप टाइप करोगे उससे रिलेटेड जो भी शेयर्स होंगे वो यहां पर आपको दिखाई देने लगेगा। जैसे कि कोरो माँ हमने लिखा तो नीचे शेयर आने लगा NSE और BSE करके कोरोमंडल, है ना, आप देख सकते हो इंटर्न, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर इस शेयर को सबसे पहले ऐड करेंगे, यहां पर इसके सामने प्लस का साइन है। आप चाहो तो BSE का ऐड करो या NSE का, जनरली लोग NSE का ही लेता है, तो हम भी यहां पर प्लस का साइन को क्लिक करके इसको ऐड करते हैं। हम चाहें तो दोनों को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसको ऐड कर रहे हैं NSE वाला कोरोमंडल को क्लिक करके। देख सकते हो कि यहाँ पर साइन आ गया है। अब हम इसको यहाँ से बैक करते हैं, फिर से हम वॉचलिस्ट, अब यहाँ पर जो है वॉचलिस्ट में हम आए हुए हैं। अब नीचे में आप जब ड्रैग करोगे देखोगे कि आपके कोरोमंडल ऐड हो गया है। इसका जो आज का जो स्थिति है शेयर का दिखाएगा यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हो कि अभी माइनस में जो है चला गया है ये, इसका जो है ना इसमें अभी लॉस हो रहा है, नीचे की ओर जा रहा है ये,
इसका प्राइस भी दिया हुआ है 1035, ठीक है, लगभग। तो ये इसका प्राइस है। इसी तरह से कोई भी शेयर हम यहाँ पर ऐड करेंगे सबसे पहले जो भी हमको खरीदना है। अब चूंकि कोरोमंडल लॉस में था तो हमने बाई नहीं किया, एक दूसरा शेयर हमने ऐड कर लिया GMM का, ठीक उसी तरह से जैसे कोरोमंडल को ऐड किया था। इसमें ऑलरेडी हमने कुछ शेयर बाई भी किया है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा बाई करके कैसे बाई किया जाता है। बाई करने के लिए इस शेयर के ऊपर में आपको एक क्लिक करना है, उसके बाद हम यहाँ पर बाई के ऊपर में क्लिक करेंगे। इस तरह से स्क्रीन आ जाएगा, ऊपर लिखा हुआ है यहां पर NSE BSE, NSE में बाई करना है तो उसका प्राइस चल रहा है यहां पर 1569.90, BSE में 1568.9, थोड़ा बहुत अंतर रहता है लेकिन जनरली मैं या फिर दूसरे लोग NSE में ही बाई करते हैं लगभग। तो हम यहां पर देखिए रेगुलर के अंदर में है, इसके बाद कवर है, MO है, आइस बैग है, तो इतना जो ध्यान देने लायक चीज नहीं है, उस पर ध्यान ज्यादा नहीं देना है, लोग कंफ्यूज बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आपको रेगुलर में ही रहना है। यहां पर देखिए क्वांटिटी है तो हम यहां पर एक देते हैं, क्योंकि कुछ शेयर मैंने पहले से ही इसका बाय किया हुआ है, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूं, शो करना चाहता हूं, सिखाना चाहता हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो एक क्वांटिटी भी इसका जो है 1567 अभी चल रहा है रेट इसका, ठीक है। अब यहां पर देखिए एक नीचे में एक ऑप्शन है इंट्राडे और लॉन्ग टर्म। अगर आप इंट्राडे छोटे दिन ही इसका समाप्ति करना पड़ेगा, सुबह 9:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक जो है ना आपका शेयर मार्केट खुला रहता है, तो आज अगर इंट्राडे में बाई करोगे तो आज ही इसको आपको बेच बाज के खत्म करना पड़ेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म को सेलेक्ट करोगे तो आपका कोई इसमें लिमिटेशन नहीं है, आपको जब तक मन करे अपने शेयर को डीमैट अकाउंट में रख सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है। आपको आज 2 रुपया में खरीदे और कल 100 रुपया में बेचना, इस तरह से कभी भी कोई लिमिटेशन नहीं है। अब यहां पर जो है टाइप, देखिए टाइप में है मार्केट लिमिट SL SLM, ठीक है। तो दो ही चीजें भी ध्यान देने योग्य है, आपका एक है आपका मार्केट और लिमिट, ठीक है। अगर आप मार्केट पर सिलेक्ट करते हो इसका मतलब कि जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा है, जैसे कि यहां 1570 चल रहा है, उसी में तुरंत एक शेयर बाई हो जाएगा एक क्वांटिटी। अगर आप लिमिट लगा देते हो, मान लीजिए हाँ हमने लिमिट को जो है ना सेलेक्ट किया, तो यहां पर आपको प्राइस देना पड़ेगा। मान लीजिए अभी 1570 चल रहा है लेकिन और आप कम प्राइस में खरीदना चाहते हो, मान लीजिए आप 1565 पर करना चाहते हो, तो यहां 1565 लिखोगे। अब उस दिन 1565 पर अगर शेयर का प्राइस गिर के आएगा उस मूल्य पर, तब आपका बाई हो जाएगा, अगर नहीं आएगा तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है कम में तो बाई हो जाएगा, लेकिन अगर प्राइस गिरेगा तब ना होगा, अगर नहीं गिरेगा तो कहां से होगा। इसलिए यहां पर हम आपको मार्केट प्राइस में दिखा रहे हैं, जो भी प्राइस मार्केट में चल रहा है उसमें एक क्वांटिटी अपने आप बाई हो जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए। इसको आप अनलिमिटेड समय के लिए रख सकते हो, ठीक है। तो एक क्वांटिटी हमने डाला, मार्केट हो गया। अब यहां पर स्वाइप टू बाई बाई है, ठीक है ना। आपके पास जो है बैलेंस भी होना चाहिए खरीदने के लिए, आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए। जैसे कि एक शेयर है यहां पर 1569, तो उतना पैसा कम से कम होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो यहां पर तो बैलेंस दिख रहा है हमें, तो हम क्या करते हैं कि स्वाइप टू बाई को क्लिक करते हैं। इसको सिर्फ स्वाइप करना है, इसको जो है ना इधर स्क्रॉल कर देना है, मैं करके दिखाता हूं। अब यहां पर एक शेयर जो है आपका बाई हो गया है, ठीक है। शेयर बाई हो गया तो देखो ये कैसे, तो सबसे पहले तो हम इसको देखने के लिए ऑर्डर में चलते हैं, ये है ना ऑर्डर, ऑर्डर को क्लिक करते हैं। आप यहां पर देख सकते हो कि आपका वो ऑर्डर जो आपने लगाया एग्जीक्यूट हो गया, क्योंकि मार्केट प्राइस पे लिया था। अगर आप लिमिट लगाते हैं तो हो सकता था ये ओपन के अंदर में रहता और जब आपका प्राइस नीचे जाता तब वो एग्जीक्यूट होता, लेकिन चूंकि मार्केट में लिए हो तो तुरंत एग्जीक्यूट हो जाता है और आपका शेयर एक क्वांटिटी है बाई हो गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहां पर हम लोग जो है ना पोर्टफोलियो जो लिखा हुआ है इसके ऊपर में क्लिक करेंगे। अब यहां पर दो चीजें होल्डिंग है और आपका पोजिशन है, तो यहां पर जितने भी आप शेयर लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हो वो होल्डिंग के अंदर पाया जाता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप उस लॉन्ग टर्म के शेयर कभी भी आप सेल कर सकते हो, लेकिन जिस दिन भी आप बाई करते हो वो उस दिन के लिए पोजीशन में रहता है। जैसे कि अभी अभी हमने GMM का एक शेयर बाई किया तो वो पोजीशन के अंदर में दिखाई देगा, आपको पोजीशन को क्लिक करना पड़ेगा और एक दिन के बाद ये आपका होल्डिंग के अंदर में चला जाता है।
ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर होल्डिंग में पहले से ही मान लीजिए कि GMM का एक शेयर कुछ खरीदा हुआ है 6 क्वांटिटी मान लीजिए, तो एक शेयर और बाय किया आज तो 7 क्वांटिटी हो जाएगा कल के डेट में, क्योंकि आज बाय किया है तो ये पोजिशन में है, और कल के डेट में जब स्टार्ट होगा ट्रेडिंग डेज तो ये आपका इसमें जुड़ जाएगा और ये 7 हो जाएगा टोटल। यहाँ पर पोजिशन को हम लोग क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर जो शेयर आपने बाय किया हुआ है उसका अब प्राइस तो ऊपर नीचे हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर प्रॉफिट भी और लॉस भी दिखाता रहेगा, समझे। कभी 1 रुपया ज्यादा हो सकता है, कभी 1 रुपया नीचे हो जाएगा, तो जैसे जैसे उसका प्राइस ऊपर नीचे होगा वो आपका पोजीशन में ऊपर नीचे होगा, और कल के डेट में यही शेयर होल्डिंग के अंदर में चला जाएगा, जो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी शेयर बाय किया हुआ है उसमें वो जुड़ जाएगा। ठीक है, अब इसको तो आपने लॉन्ग टर्म में बाय किया है CNC में जिसको कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने बाय किया है तो आज इसको सेल नहीं कर सकते हो, बिल्कुल इसके ऊपर में क्लिक करके आपको लगता है कि अच्छा प्रॉफिट आज ही उनको मिल रहा है तो आप जो है ये आज ही सेल कर सकते हो, लेकिन अगर सेल करते हो तो वो आपका इंट्रा डे माना जाएगा, सेम डे में आपने खरीदा और सेम डे में बेच दिया इंट्रा डे। ठीक है, अगर आज खरीद के जो है ना 2 दिन के बाद बेचते हो तो वो आपका होल्डिंग में जो है ना वो जाकर ही बेच पाओगे, तो ये कल तो होल्डिंग में चला जाएगा तो होल्डिंग में जाके आपको इसको ढूंढ के वहां से बेचना पड़ेगा, होल्डिंग में ये शेयर रहेगा। ठीक है, पोजीशन में फिर वो कल नहीं रहेगा, तो अगर इसको आज बेचना है तो इसके ऊपर में क्लिक कीजिए। अब देखोगे कि इस तरह का स्क्रीन आपका आ जाएगा, आपको एग्जिट के ऊपर में क्लिक करना है, इस तरह से स्क्रीन आ जाएगा और क्वांटिटी 1 है पोजीशन में जो आपने खरीदा था तो ये 1 रहेगा, और फिर ये लॉन्ग टर्म और मार्केट में ही इसको आप चाहो तो स्वाइप टू सेल करोगे ना तो ये आपका सेल हो जाएगा। ठीक है, और बैलेंस आपका आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा जीरोधा वाले में। ये आपका तरीका होता है बाय करके सेल करने का इंट्राडे में, अगर आप कल होल्डिंग में चला जाएगा तो फिर होल्डिंग से सेल कर सकते हो, तो ये बाय और सेल दोनों सिखा दिया मैंने आपको। ऐसे बैक करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।